हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाइटल स्टेटिस्टिक्स इज ए पर्पजफुल मैकेनिज्म ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑपरेटिंग हेल्थ सर्विसेज एंड ऑल्सो फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स हैं उनकी मेंटेनिंग का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पर्पसफुल मैकेनिज्म होती है। किसके लिए? कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग और ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि ऑर्गन जो कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनकी ऑपरेटिंग हो सके, ठीक है। और इसके अलावा रिसर्च और ट्रेनिंग में भी ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में इसके एम्स क्या हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। प्रोवाइडिंग रिलायबल, रिलेवेंट, अप टू डेट एंड एडिक्वेट, टाइमली एंड रीजनेबल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, टू द हेल्थ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स, ठीक है। सेकेंड है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर एबल टू इंटरवेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, प्रोवाइडेड अवेलेबिलिटी टू अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर मेजरिंग हेल्थ इलनेस एंड वेलबींग इज देयर, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड है, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग विद परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यू। वाई वाइटल स्टेटिस्टिक्स रिक्वायर्ड, क्यों हैं ज़रूरी वाइटल स्टेटिस्टिक्स रिक्वायर्ड? तो द सिस्टम शुड बी पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, और सिस्टम शुड अवॉइड अननेसेसरी एल्गोमेरेशन ऑफ डेटा। सिस्टम शुड बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल टर्म, एंड शुड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन ब्रीफली एंड इमेजिनेटिवली। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वाइटल स्टेटिस्टिक्स आर कन्वेंशनली न्यूमेरिकल रिकॉर्ड ऑफ मैरिज, बर्थ, सिकनेस एंड डेथ, बाय विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी मे बी स्टडी। तो जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स होता है वो एक जो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स होता है, किसका? मैरिज, बर्थ, सिकनेस, डेथ, इन सब का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिसमें कि हेल्थ और जो कम्युनिटी की ग्रोथ है उसकी स्टडी की जा सकती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोमेट्री दैट डील विद डाटा एंड लॉ ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डेमोग्राफी। उसके बाद में इसके इंडिकेटर्स देखते हैं। डेमोग्राफी एंड वाइटल इवेंट्स, ठीक है, डेमोग्राफी एंड वाइटल इवेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के लिए इसका यूज किया जाता है, और हेल्थ रिसोर्सेज, फैसिलिटी, बेड्स, मैन पावर, ठीक है, यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अटेंडेंस, हेल्थ केयर इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स। उसके बाद में इसके पर्पस क्या हैं? टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, डायग्नोसिस कम्युनिटी इलनेस एंड सॉल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके क्या क्या पर्पस है? कि कम्युनिटी हेल्थ के लेवल को डिस्क्राइब करना, और कम्युनिटी की इलनेस है उसका डायग्नोसिस करना, हेल्थ प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन देना। टू डिटरमाइन सक्सेस और फेलियर ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, टू प्रमोट हेल्थ लेजिस्लेशन एट लोकल एंड नेशनल लेवल, टू डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एट स्टेट एंड सेंटर लेवल। उसके बाद में इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस हैं? टू इवैल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, जो अलग अलग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनका इवैल्यूएशन करना। टू प्लान फॉर बेटर फ्यूचर मेजर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, टू एक्सप्लेन हेरिडिटरी नेचर ऑफ डिजीज, एंड टू इवैल्यूएट इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट,
इट इज़ प्राइमरी टूल फॉर रिसर्च एक्टिविटीज। यूजेस ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन, यूजेस क्या क्या हैं? द वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ ए पॉपुलेशन आर बेसिस ऑफ प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट, हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम। ठीक है, जो हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम हैं उनकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, और ठीक है, और जो पॉपुलेशन बेस्ड प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब की देखने के लिए इनका यूज किया जाता है। असेसमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन टर्म ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज डन बाय मेंटेनिंग अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट्स। ठीक है, असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी फ्रॉम द हेल्थ पॉलिसीज कैन बी डन। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। सोर्सेज ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन, सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हम वाइटल स्टेटस को देख सकते हैं, जिनके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो सेंसस सर्विलेंस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स हैं, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड है, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज हेल्थ है, डिजीज रजिस्टर है, रिकॉर्ड लिंकेज है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल है, हेल्थ सर्विसेज है, पॉपुलेशन एंड सर्वे। उसके बाद में पॉइंट्स ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसमें? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूनेटल मोर्बिडिटी रेट, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड पोस्ट न्यूनेटल मोर्बिडिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट, वन टू फोर ईयर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट, अंडर फाइव ईयर मोर्टेलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट, ये सब इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है वो देखते हैं। तो मैटरनल मोर्टेलिटी की क्या डेफिनेशन है, मतलब मैटरनल डेथ की क्या डेफिनेशन होती है कि जो किसी वुमेन की डेथ होना, किस वजह से? कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में डेथ होना, या फिर डिलीवरी के बाद में विद इन 42 डेज के अंदर अंदर उसकी डेथ होना फ्रॉम परप्यूरियल कॉजेज की वजह से, ठीक है, किसी भी कॉज की वजह से, जो परप्यूरियल कॉजेज हैं उनकी वजह से उसकी डेथ होना, ठीक है। तो इसका हम जो रेशियो है, इसके जो रेट हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की, जो रेट है वो हम कैसे निकालते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी फ्रॉम परप्यूरियल डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर इन ईयर, ठीक है, इनटू 100। तो इससे हम इस फॉर्मूला से जो मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट है वो निकाली जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी के क्या क्या कॉजेज हैं, तो उसकी कैटेगरी है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉन ऑब्स्टेट्रिकल एंड रिप्रोडक्टिव मोर्टेलिटी। तो डायरेक्ट में क्या क्या होते हैं, जैसे कि अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन है, या फिर एक्लेम्शिया की कंडीशन है, या एक्लेम्टिक जेस्टेशन है, एक्टोपिक जेस्टेशन है, या फिर एक्लेम्शिया है, या प्रीपार्टम हेमरेज सेप्सिस है, या परप्यूरल प्रीपार्टम हेमरेज है, या परप्यूरल सेप्सिस है, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज है। तो इन कॉजेज की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी हो सकती है। फैक्टर्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोर्टेलिटी रेट को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि एज है, पेरिटी है, लो सोशो इकोनॉमिक है, एंटीनेटल केयर है, सब स्टैंडर्ड केयर है। मैटरनल मोर्बिडिटी रेट, अब मैटरनल मोर्बिडिटी रेट क्या होती है? इट इज ए ओवर आर्चिंग टर्म दैट रेफर्स टू एनी फिजिकल या मेंटल इलनेस और डिसेबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड टू चाइल्ड बर्थ इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो मैटरनल मोर्बिडिटी का क्या मतलब होता है कि
कि वुमेन में किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल इलनेस होना या डिसेबिलिटी होना किसकी वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है, और चाइल्ड बर्थ की वजह से, ठीक है, और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग की सिचुएशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिसेबिलिटी या फिर इलनेस होना मेटरनल मॉर्बिडिटी कहलाता है। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पुअर सर्विसेज की वजह से, हाइजीन की वजह से, हेमरेज की वजह से, एनीमिया की वजह से, अबॉर्शन, डिफ़िकल्ट लेबर, हाइपरटेंशन, लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस या फिर लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से। इसके बाद में प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एमएमआर एंड मेटरनल मॉर्बिडिटी रेट। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एमएमआर को, ठीक, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल मॉर्बिडिटी रेट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो अर्ली रजिस्ट्रेशन करना प्रेगनेंसी का, ठीक है, एटलीस्ट 3 एंटीनेटल चेकअप्स होना, डाइटरी सप्लीमेंट्स देना इंक्लूडिंग करेक्ट एनीमिया, क्लीन एंड एसेप्टिक डिलीवरी प्रैक्टिसेस, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एग्जाम्पल प्री एक्लेम्सिया एंड माल प्रेजेंटेशन रप्चर यूट्रस एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड हेमरेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज फॉर वुमेन्स, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी मैटरनल डेथ एंड सर्च इट्स कॉजेस। तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, एमएमआर और मैटरनल मोर्बिडिटी रेट को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद में पेरीनेटल मोर्टेलिटी, तो पेरीनेटल मोर्बिडिटी को हम कैसे देखते हैं, लेट फिटल डेथ, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में फिटल की डेथ होना प्लस अर्ली नियोनेटल डेथ होना, उसके साथ साथ अगर अर्ली नियोनेट भी डेथ हो रही है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ इन ए ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इनटू 1000, तो इससे हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट को निकालते हैं। उसके बाद में कॉजेज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी, पेरीनेटल मोर्टेलिटी क्या क्या कॉजेज है, जैसे कि एंटीनेटल कॉज है, इंटरनेटल कॉज है, पोस्टनेटल और अननोन कॉज। तो एंटीनेटल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, मैटरनल डिजीज हो सकता है, पेल्विक डिजीज हो सकता है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकता है फिटस में, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी। इंटरनेटल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, बर्थ इंजरी, एस्फिक्सिया, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस। और पोस्टनेटल में क्या क्या हो सकते हैं, प्री मेच्योरिटी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन्फेक्शन ऑन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, ये पोस्टनेटल कॉज है और कुछ कॉज अननोन है। मेजर्स ऑफ रिड्यूस प्रीनेटल मोर्टेलिटी, प्रीनेटल मोर्टेलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, नीड ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी अबाउट एज ऑफ मैरिज, ठीक है, एज ऑफ मैरिज से रिलेटेड कम्युनिटी को एजुकेट करना, एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन करना, प्रिवेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन, अवॉइडेंस ऑफ ड्रग एब्यूज, प्रॉपर न्यूट्रिशन टू मदर इन एंटीनेटल पीरियड, ऑप्टिमम केयर ऑफ मदर एंड नीड टू सीक मेडिकल एडवाइस इन इमरजेंसी। इन इंट्रानेटल पीरियड यूज एसेप्टिक टेक्निक्स बाय स्किल्ड पर्सन, सेफ डिलीवरी, कंट्रोल इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को कैसे निकालते हैं हम, तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ नियोनेट अंडर 28 डेज ऑफ एज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ बर्थ इन द सेम ईयर इनटू 1000। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के, लो बर्थ वेट, प्री मेच्योरिटी, बर्थ इंजरी या फिर डिफिकल्ट लेबर। इसके कॉजेज देखते हैं अपन, कॉजेज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी के, कॉजेज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी के। कॉजेज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कॉजेज होते हैं कुछ, अबॉर्शन हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है या अदर डायरेक्ट कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। और नियोनेटल मोर्टेलिटी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन फॉर प्री टर्म बर्थ हो सकता है 35%, 24% इंट्रा पार्टम रिलेटेड कुछ हो सकता है,
15% सेप्सिस या मेनिनजाइटिस हो सकता है, 5% निमोनिया हो सकता है, 10% कंजेनाइटल, 8% अदर्स, 2% टिटनस एंड 1% डायरियल कोज हो सकता है। इसके अलावा सेप्सिस हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस, कंजेनाइटल एनोमली, बर्थ एस्फिक्सिया, टिटनस, कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा या कोर्ड, हीमोलाइटिक डिजीज या फिर ARI। उसके बाद में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के बच्चे की डेथ होना डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ इन ईयर, उसी ईयर में टोटल लाइव बर्थ कितने हुए, ठीक है, इनटू 1000। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की क्या इम्पोर्टेंस है, इट डिपिक्ट्स द एज रिलेटेड मोर्टेलिटी इन वल्नरेबल ग्रुप विद इन सोसाइटी, स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम इज अफेक्टेड डायरेक्टली एंड रैपिडली रादर देन द जनरल हेल्थ प्रॉब्लम, इम्प्रूव ऑब्स्टेट्रिकल एंड पेरीनेटल केयर, इम्प्रूव इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस, फैमिली प्लानिंग, एग्जाम्पल बर्थ स्पेसिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देर आर 3 फैक्टर इंक्लूड, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें क्या क्या होते हैं, बर्थ वेट, एज ऑफ मदर, बर्थ स्पेसिंग, बर्थ ऑर्डर, मल्टीपल बर्थ, फैमिली साइजेस और हाई फर्टिलिटी। दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर, तो लो सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। थर्ड है सोशल कल्चरल फैक्टर, तो इसमें क्या हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है, रिलीजियस या फिर कास्ट रिलेटेड कुछ हो सकता है, अर्ली मैरिज, सेक्स ऑफ चाइल्ड, मैटरनल एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड मदर केयर, अनब्रोकन फैमिलीज। उसके बाद में रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीजर्स, कैसे कर सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस, इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, राइज फीमेल लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, प्रीनेटल न्यूट्रिशन, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन इज 1 to 4 ईयर ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है, एक ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेथ चिल्ड्रंस की, इसकी एज 1 to 4 ईयर हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 1 to 4 ईयर एट द मिडल ऑफ ईयर इंटू 1000। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायरिया, मीजल्स, हूपिंग कफ, बैक्टीरिया, ARI एंड माल न्यूट्रिशन, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कंजेनेटल एनोमलीज हो सकती है, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, निमोनिया या डेथ हो सकती है। उसके बाद में प्रिवेंटिव मीजर्स कैसे हो सकते हैं अंडर 5 के लिए, प्रीनेटल न्यूट्रिशन एंड रूटीन चेकअप्स, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, एसेप्टिक टेक्निक्स, ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग, सैनिटेशन, PSC एंड इम्यूनाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद में फर्टिलिटी रेट को कैसे देखते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट को कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितनी होती है, 15 to 49 इन ए गिवन ईयर, ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमन है एक ईयर में तो इसमें उसको जो 1000 वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की उनमें कितना लाइव बर्थ हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हुए उस ईयर में। उसके बाद में जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 मैरिड वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन ए गिवन ईयर। उसके बाद में टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू ए मैरिड वुमेन। फेक्यूंडिटी रेट क्या होती है, फर्टिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद फेक्यूंडिटी
विच रेफर्स टू द चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो फेक्यूंडिटी रेट क्या होती है, चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी होती है वुमेन्स की। मैरिज रेट क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मैरिज ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर पर 1000 टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा आज मेंटेनेंस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ओके, थैंक यू।